अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पिलो कोट डिज़ाइन बहुत ही सिंपल सी है, इजी सी है। और आप देख सकते हैं मैंने तीन कलर लिया हुआ है, और ये लीफ के लिए मैंने कलर लिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का फ्रेड ब्रश लिया हुआ है। और जिस कपड़े पर मैं कलर करूँगी वो कपड़ा कॉटन रहेगा, कॉटन पे आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने दूसरा टाइप का कपड़ा लिया हुआ है, थोड़ा सिल्की टाइप है, तो इस पर कलर फैलने के चांस हैं, तो जब भी करें कॉटन कपड़े पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारे यहाँ डिज़ाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं किस तरह से हमारी प्रिंटिंग बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें सेप ग्रीन लेना है, और हमारे जो लीफ का सेप है उसको हम पहले आउटलाइनिंग करेंगे किनारे से, उसके बाद अंदर फिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आउटलाइनिंग करते जा रही हूँ नीचे साइड से, और उसको पूरी लीफ को फिल करते जा रही हूँ ताकि हमारी जो लीफ है उसमें फिनिशिंग आए। तो पहले आउटलाइनिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लीफ में फिनिशिंग आएगी, आपके फ्लावर में फिनिशिंग आएगा। आउटलाइनिंग करने के बाद ही शेड दें, जो भी प्रिंटिंग करते हैं पहले किनारे से स्टार्ट करें ताकि आप की जो प्रिंटिंग उसमें फिनिशिंग आए। और इस तरह से हमने ब्लू कलर लिया हुआ है, बीच में लाइनिंग की है, और इस तरह से एक साइड से लीफ में लाइनिंग बनाया, और उसी में से अब हम शेड को बनाएंगे बारीक बारीक दोनों तरफ हमारा। आप शेड ध्यान से देखिए किस तरफ का शेड कहाँ से रहेगा, तो ऊपर जो हमने लाइनिंग की है उसका शेड हमारी नीचे तरफ रहेगा, आप देख सकते हैं। अपनी तरफ खींचेंगे शेड को इस तरह से, तो जो ऊपर से हमने शेड दिया है उसको अपनी तरफ खींचना है, और जो बीच में लाइनिंग की है उसका शेड अपने से सामने करना है। उसको आप लीफ को घुमा लेंगे तो अपनी तरफ ही शेड हो जाएगा, इसको भी घुमा के तब अपनी तरफ शेड दें तो आपको ज़्यादा इजीली होगा। इस तरह से शेड ना दें, आपसे नहीं बन पाएगा। अगर आप प्रिंटिंग नहीं किए हैं तो आपसे नहीं बन पाएगा, कभी कभी शेड हमारा ख़राब हो जाता है इस तरह से अगर हम उल्टा शेड देते हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो उसके लिए मुझसे बन जा रहा है। अगर आप पहली बार आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप फ्रेम को घुमा के उसके बाद शेड दें जिस तरह से ऊपर का शेड दिया है, और उसी के साइड में हमें इस तरह से वाइट कलर की लाइनिंग देनी है और उसी तरह से शेड देना है। जब भी लीफ का शेड दें अपनी तरफ शेड को घुमा लें ताकि शेड अच्छा बने, और हल्के हाथों से करेंगे तो आपका शेड ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस तरफ भी वाइट कलर लगाना है और नीचे की तरफ शेड देना है इस तरह से, वाइट से शेड हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शेड तैयार हो चुका है, हमारी लिप भी तैयार हो चुकी है, तो बस इसी तरह से हम दूसरी लिप भी बनाएंगे। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, दूसरी लिप भी समझ सकते हैं, अगर नहीं देखना है तो स्किप करके आगे की वीडियो भी देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे लीफ आप देख सकते हैं कि हमारी लीफ किस तरह से करनी है। अब हम आपको फ्लावर करना बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीफ पूरी बन चुकी है। अब फ्लावर के लिए हमने जो कलर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पिंक कलर हमने खरीदा हुआ कलर नहीं है, इसको हमने घर पर बनाया है। वाइट कलर में थोड़ा सा ऐड कर देंगे रेड कलर, तो आपका ये लाइट पिंक बन जाएगा। और उसी से हम इस फ्लावर को बना रहे हैं। वाइट कलर में रेड कलर को मिक्स किया है और उसी से लाइट पिंक को हम अपने फ्लावर में फिल करेंगे और रेड कलर से उसी में शेड देके फ्लावर को बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने लाइट पिंक को फिल कर लिया है, उसके बाद इस तरह से जो हमारे फ्लावर जहाँ जहाँ किना मतलब आउटलाइनिंग रहेगी फ्लावर की, वहाँ से हम डार्क कलर लगाएंगे और लाइट कलर में रेड कलर को मिक्स करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक काफ़ी छोटी सी जगह है तो इसमें बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर आप फ्लावर बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, और अगर आपके बड़े फ्लावर हैं तो आपके शेड भी अच्छे से बन जाएंगे, आपको मिक्स करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो काफ़ी छोटे फ्लावर हैं, इसके लिए बहुत संभाल के करना पड़ रहा है और टाइम भी लग रहा है। और मैंने वीडियो को फास्ट इसलिए नहीं किया है कि बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है। जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसी तरह से मैं डायरेक्ट बनाकर दिखा रही हूँ। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पेंटिंग आराम से करने आ सकती है, अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा डार्क कलर हमारे फ्लावर के किनारे की जो जगह रहेगी उस पर हम थोड़ा थोड़ा डार्क कलर लगाएंगे और किनारे की जगह है उसको डार्क करेंगे ताकि लाइट और डार्क दिखे। इससे हमारा शेड काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर लगा के थोड़ा सा मिक्स किया है, थोड़ा सा वहाँ पर लाइट हो गया है और इस तरह से हमारे नीचे की डंठल तैयार है। अब इस तरह से हम लाइट पिंक लेंगे, पूरे फ्लावर में फिल करेंगे, आउटलाइनिंग करते जाएंगे और कलर को फिल करते जाएंगे पूरा। अगर आप चाहते हैं तो एक साथ ही पूरी आउटलाइनिंग कर लें, उसके बाद पूरे फ्लावर में जो है कि कलर फिल करें। और अगर आप इस तरह से आउटलाइनिंग करते जाते हैं, भरते जाते हैं, तो भी आपके लिए कोई वो नहीं है। आप जिस तरह से भरना चाहें उस तरह से भर सकते हैं, लेकिन आउटलाइनिंग करने के बाद ही करें, जिससे हमारे फ्लावर में लीफ में जो भी हम पेंटिंग करते हैं उसमें फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। तो पहले अगर आप आउटलाइनिंग कर लेंगे तो आपको भी आपके लिए भी आसानी होगी और पेंटिंग करने में थोड़ा आराम सा महसूस होगा, आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। तो हमें पूरे पंखुड़ी जो हमारे फ्लावर जो है उसमें हम इस तरह से पूरा पिंक कलर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें उसमें शेड देना है। शेड भी किस तरह से देना है अभी हमें अभी आपको भी शेड भी बता रही हूँ कि किस तरह से देना है। पहले हमारा ये कलर हो जाए उसके बाद बताती हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर इस तरह की डिज़ाइन और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पे हमारा जो पिंक कलर है वो फिल हो चुका है और अब हम इसमें रेड कलर का शेड देंगे डार्क कलर का। अब इसमें मरून कलर का भी शेड दे सकते हैं, वो भी अच्छा दिखेगा, लेकिन मैंने रेड कलर का शेड दिया है। और इस तरह से बहुत लाइटली यू शेप देना है, बहुत लाइटली देना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है। अगर ज़्यादा गहरा करेंगे तो आपका ज़्यादा यहाँ पे हमने फ्लावर की गहराई दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह का शेप दिया है, आउटलाइनिंग रेड कलर से की है और इस तरह से ऊपर की तरफ शेड फैला रही हूँ। जिस तरह से शेड हमने दिया है वो आपको दिख रहा होगा, आपको बराबर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें शेड देना है। इस तरह से अगर हम शेड देंगे तो हमारे बीच की फ्लावर के बीच की गहराई दिखेगी और फ्लावर समझ में आएगा कि किस तरह से फ्लावर बना है। तो ये हमारे बीच का बन चुका है फ्लावर। अब हम इसमें किनारे पे जो शेड हमारा रहेगा उसको बनाएंगे। तो जहाँ पे हमारा फ्लावर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है वहीं पे हम कलर लगाएंगे और इस तरह से हल्के हाथों से लाइट पिंक कलर में मिक्स कर देंगे, नीचे की तरफ लाते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारा फ्लावर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बहुत सिंपल है इसे बनाना, अगर आप भी बनाएंगे तो आप भी इसको बना लेंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर।
और आप अपनी बनाई हुई पेंटिंग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे लीफ का मुड़ाव रहेगा कलर हमें वहीं पे लगाना है और नीचे की साइड तक नीचे तक उसको फिल करना है। इस तरह से हमारे फ्लावर में डार्क लाइट ऐसा शेड आएगा और हमारा फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो अभी आप बनने के बाद देखिएगा फ्लावर कितना अच्छा दिख रहा है और रियल में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और सामने से कहने का मतलब है कि सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो वीडियो में आपको उतना बहुत लोग रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा लग रहा होगा, तो ये सामने से भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से लाइनिंग, अब जो आउटलाइनिंग हमारी उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्लावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है। अब हमें बीच में इसका जो है थोड़ा सा और इसे लेमन येलो कलर लगाना है, तो उसको भी मैं अभी लगाऊंगी तो बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा वाइट कलर हमने लिया है और इस तरह से जगह जगह पे लगाऊंगी। और इस तरह से जिस तरह से हमने डार्क कलर को फिल किया है उसी तरह से बस इसको भी हम शेड करते हुए फिल कर देंगे और हमारे फ्लावर में खूबसूरती आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर बन चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट कलर लगाएंगे और रेड कलर के किनारे से लगाएंगे और इस तरह से फील करेंगे अच्छे से ताकि यहाँ पे उबड़ा हुआ दिखे हमारा फ्लावर। तो इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। अब हमारी बारी है, बीच वाला भी पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो में ही दिखाया है मैंने, आप वीडियो को पूरा देखें, मैंने पूरी वीडियो में सब दिखाया है बना के। और इस तरह से हम दूसरा फ्लावर भी बनाएंगे। आप एक फ्लावर आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दूसरा फ्लावर भी देख सकते हैं। और यहाँ नीचे से आप देख सकते हैं कलर इस तरह से लगाना है और लगाने के बाद कलर का शेड ऊपर फ्लावर के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से शेड देना है। डंठल बनानी है हमें यहाँ पे। यहाँ पे ये हो गया हमारे फ्लावर की डंठल हो गई। थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर देंगे। तो फ्लावर हमारा जो है रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से हम बाकी का भी फ्लावर करेंगे फ्रेंड्स। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने बीच वाला पार्ट भी दिखाया है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आती रहूँगी आपके लिए इसी तरह से खूबसूरत डिज़ाइन लेकर। इंशाल्लाह आपको भी मेरी वीडियो बहुत पसंद आती होगी क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में हमने कैसे बनाया है। सिर्फ ब्रश को इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ ले जाते हुए थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देना है। बहुत सिंपल इसे बनाना, यहाँ रखना, इस तरह से ले जाना है और इस तरह से तिरछा करके छोड़ देना है। बीच वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया। एक फ्लावर और बना के मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, और अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। और यहाँ ऊपर साइड हम थोड़ा सा वाइट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फिर आऊँगी मैं इसी तरह के और खूबसूरत डिज़ाइन लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।